बीच काला पीपल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा में शामिल हुए हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबूलाल सोनी। अहम खबर आपको बता दें, कद्दावर नेता बाबूलाल सोनी भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की नीति और रीति से पीड़ित होकर भाजपा का इन्होंने दामन थाम लिया है। बाबूलाल सोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पार्टी है, जो निरंतर सनातन धर्म और राम राज्य के लिए काम कर रही है। उन्हीं से प्रेरित होकर आज भाजपा का दामन थामा है। तो काला पीपल से अहम खबर आपको बता दें, जहां बाबूलाल सोनी ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो भाजपा की रीति नीति से प्रभावित है, ये भी कहा जा रहा है कि निरंतर सनातन धर्म और रामराज्य की बात बीजेपी करती है, और यही वजह है कि उन्हीं से प्रेरित होकर भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो बड़ा झटका लगा एक बार फिर से कांग्रेस को। तो काला पीपल से अहम खबर, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पार्टी है और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी हमेशा से हिंदुत्व विरोधी पार्टी रही है, जहां पर मैंने लगभग अपने जीवन के राजनीतिक जीवन के 35 साल एक घुटन के रूप में किसी मजबूरी के कारण गुजारे हैं। जैसे ही मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्णय करा, कांग्रेस पार्टी के सीने पर सांप लौटा, तब से लेकर जब मैं भारतीय जनता पार्टी के या मोदी जी का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मजबूरियां थी, उसके कारण मैं कांग्रेस में बना रहा, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से राम और राष्ट्रहित सर्वोपरि रहा।